हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसके बाद तरावड़ी में आयोजित विकास रैली में जनता की विकास की अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बने हॉस्टल ब्लॉक का उद्घाटन किया तथा हर घर हरियाली नामक योजना के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवकों को बलशाली योग्य खिलाड़ी व उनके अंदर देश भावना का जज्बा भरने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में घरोड़ा में NCC की एकेडमी खोली जाएगी, रेवाड़ी में भी एक सैनिक स्कूल चल रहा है। भविष्य में सरकार के पास सुझाव आएगा तो हरियाणा में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। आज कुंजपुरा के अंदर सैनिक स्कूल में वहाँ एक छात्रावास का 5 करोड़ रुपए की लागत से जो उन्होंने बनाया है उसका उद्घाटन करके आया हूँ और आगे भी एक छात्रावास और बनाने की बात उन्होंने कही है, उसमें भी हरियाणा सरकार का जो योगदान है वो हम पूरा करेंगे। कुंजपुरा सैनिक स्कूल की तर्ज पर और हम आगे बढ़ें इसके लिए एक और विषय चला है, मातन हेल के अंदर अब सैनिक स्कूल होगा अथवा मिलिट्री स्कूल होगा, इसका संबंधित लोगों से बात करके, सैनिक अधिकारियों से बात करके और एक स्कूल और खुलेगा, इसकी भी हमने यहाँ योजना बनाई है। हाँ, इन तीनों स्थानों में से किसी भी एक स्कूल को अपग्रेड करके कॉलेज बनाने की बात उन्होंने मांग के रूप में रखी है। अब चूंकि वो सैनिक दृष्टि से जो उनकी लिमिटेशंस हैं या जो उनकी ओर से जो प्रावधान किए जाएंगे उसमें हरियाणा सरकार की ओर से NCC अकेडमी घरोंडा के अंदर EM ने खुलवाई है, वहाँ जमीन पहले से पड़ी थी तो NCC अकेडमी वहाँ खुलेगी ताकि हमारे नौजवान NCC के ज़्यादा ज़्यादा सर्टिफिकेट ले करके और NDA के अंदर उनको प्रवेश मिल सके, ऐसी सुविधा उनको दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वार मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने ITI करनाल में 1,21,00,000 से बनाकर तैयार हुए हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक के उद्घाटन पट का अनावरण करने के बाद रैली स्थल पर पहुंचे और 33 KV सब स्टेशन मधुबन और 33 KV सब स्टेशन सिद्धपुर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके कहा कि दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाएंगे और 2,00,000 युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों में प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ताकि अपराधी अंधेरों का लाभ ना उठा सकें। जहाँ तक प्रदेश का विषय है, हमने थानों के अंदर सब जगह प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो, चाहे उनका प्रांगण हो चाहे बाहर की सड़कें हों, ताकि किसी भी व्यक्ति को थाने में जाने जाते समय एक मुक्त वातावरण मिले, किसी प्रकार का उनको डर ना लगे, भय ना लगे। अंधेरे में कई प्रकार की बातें, इस प्रकार की अपराधी लोगों के अंधेरे का लाभ उठा करके भी कई बार अपराध करने का मौका मिलता है, तो थाना कम से कम ऐसा माहौल उसको मिले कि लोग निसंकोच वहाँ जा सकें। सर, अभियान की रिपोर्ट आई है जो देश भर की, उसमें हरियाणा पीछे रहा है स्वच्छता अभियान, मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। हम सब अभियान अपने स्वच्छता के नाते से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते से भरपूर रूप से जो भी कुछ हमारे से हमारी योजनाएं हैं वो ठीक रूप से काम कर रहे हैं। विदेश दौरे का अर्थ सीधा सीधा है कि वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करना, इंडस्ट्री हमारी नई पॉलिसी आ रही है उसके बारे में वहाँ उनको बताना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरियाणा में आकर के इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि आप जैसे वहाँ आएंगे तो हम बातचीत करके कोई ना कोई अपना एग्रीमेंट और MOU वगैरह साइन करने के लिए तैयार हैं। करनाल से आजाद TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन केमाल के साथ विजय कंबोज की रिपोर्ट।